ईरान और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे के इलाकों में हमले किए हैं। सरकारी मीडिया या सरकार के बयानों को देखें तो दोनों पक्षों से दावे सामने आए हैं कि ये हमले आतंकी ठिकानों पर किए गए, जबकि दोनों तरफ से हमलों में बच्चों की मौत होने के दावे भी सामने आए हैं। तो ये पूरा मामला आखिर है क्या? चलिए अब तक सामने आई हर बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। हुआ ये कि हाल ही में पाकिस्तान की धरती पर ईरान के हमले होने की खबर आई। इनको लेकर ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि ये हमले आतंकी संगठन जैशल अदल के ठिकानों पर किए गए। जैशल अदल एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जो पाकिस्तान में पैर जमाए हुए है। कुछ वक्त पहले ईरान ने एक हमले में ईरानी पुलिसकर्मियों के मारे जाने के लिए जैशल अदल को जिम्मेदार बताया था। बात पाकिस्तान की करें तो उसने ईरान के हमलों के तुरंत बाद गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे दी। पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया कि ईरान के इन हमलों में दो बच्चों की मौत हो गई और तीन लड़कियां घायल हो गईं। पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला भी ले लिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा, ईरान द्वारा बिना उकसावे के पाकिस्तान की संप्रभुता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मकसदों और सिद्धांतों का उल्लंघन है। ये गैर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल अस्वीकार्य है और उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। उसने कहा, पाकिस्तान को इस अवैध काम का जवाब देने का हक है। इसके नतीजों की पूरी जिम्मेदारी ईरान पर होगी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने कहा, हमने उसे ये भी सूचित कर दिया है कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला किया है और ये भी कि ईरान यात्रा पर गए पाकिस्तान में ईरान के राजदूत फिलहाल ना लौटें। हमने उन सभी उच्च स्तरीय यात्राओं को भी निलंबित करने का फैसला लिया है जो चल रही हैं या आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान और ईरान के बीच निर्धारित की गई हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने 18 जनवरी को दावा किया कि उसने ईरान में हमले किए हैं। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि खुफिया जानकारी आधारित मिशन में कई आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने ईरान को आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाहों के बारे में पहले ही बताया था। साथ ही उसने आरोप लगाया है कि उसकी गंभीर चिंताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वो ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है, लेकिन उसने ईरान की जमीन पर हमले अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किए हैं। वहीं ईरान में हमलों के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन हमलों में चार बच्चों और तीन महिलाओं की मौत हो गई। मतलब दोनों तरफ से ही आतंकवाद को निशाना बनाने के नाम पर बच्चों के मारे जाने की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका तेज हो गई है।